गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरे क्रिसेंथेमम में फ्लावर खिले हुए हैं, गुलदावरी में। तो आज मैं अपने गार्डन की संडे अपडेट देने जा रहा हूँ। तो मेरे विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट है वो भी दिखाऊंगा, साथ में परमानेंट प्लांट किस तरह चल रहे, फ्लावरिंग कर रहे वो बताता जाऊँगा, दिखाता जाऊँगा और कुछ केयर टिप्स भी बताता जाऊँगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे दो कलर के फ्लावर खिले। तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट हमने लगाए उसमें बहुत सारे इससे घास निकल के आती है, उनको हमें निकाल देना है। और ये जब फ्लावरिंग इसमें पूरी हो जाए, मतलब कि इसमें सारे फूल खिल जाए, उसके बाद इसको शेड वाली जगह पर रख देना है जहाँ इसको मॉर्निंग के एक आध घंटे की धूप मिले। ये देखिए इस तरह से खिल जाए पूरे फ्लावर, तो इनको शेड वाली जगह पर रख देना है। यहाँ पे ये देखिए ये है गजानिया, इनमें भी कलियाँ बन रही है, अब तक फ्लावर खिले नहीं, कलियाँ काफ़ी सारी बनी है अंदर। ये है पिटोनिया, पिटोनिया में भी फ्लावरिंग हो रही है। इसके जो फ्लावर सूख जाए उनको आप कट करके पूरा डंठल के साथ पिंच करके हटा दीजिए, ताकि प्लांट आपका और भी घना हो जाए और बुशी हो जाए। यहाँ पे एक और गुलदावरी है, देख सकते हो आप, उनमें भी टेरो कलियाँ बनी हुई है, पर अब तक वो जब खिलेगी तब पता चलेगा कौन सा कलर है, मुझे याद भी नहीं है, मैं कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है। और इस तरफ मेरे परमानेंट प्लांट है जिसमें मैक्सिकन पिटोनिया है, लॉन्ग वाली वेराइटी, यहाँ देसी वाले विनका है। सभी प्लांट मेरे अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक्जोरा देख सकते हो आप, एक्जोरा में भी डेरो कलिया है। यहाँ मिनिएचर वाला हिबिस्कस, इसमें भी देखिए काफ़ी सारे फ्लावर्स आए हुए हैं। यहाँ एक और देसी विनका है, इसमें भी फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। यहाँ मेरा ऑरेंज का प्लांट है, और ये देखिए यहाँ पे मैरीगोल्ड जो सीड डाले थे उसमें से काफ़ी सारे प्लांट तैयार हुए थे, तो मैंने काफ़ी रिपोर्ट भी कर दी है, और तीन चार चार पांच प्लांट इसमें रखे थे। तो देखिए इसमें कलियाँ भी बनने लगी है अब, साथ में यहाँ पे मदर ऑफ थाउजेंड लगा है, और यहाँ पे भी मदर ऑफ थाउजेंड है। एक वेराइटी ये है, एक यहाँ पर ये है, और यहाँ पे स्नेक प्लांट रखा है जो मैं नीचे घर के अंदर रखा हुआ था, पर धूप दिखाने के लिए इसको लाया हूँ तो छत पे रखा है, काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा था अंदर तो थोड़ा धूप में रख दिया है। ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है, और पीछे की तरफ ये बाजू सारे अडेनियम रखे हुए हैं, और अडेनियम इस टाइम बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये देखिए एक कलर ये खिला है, यहाँ पर डबल पेटल वाला बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है फ्लावर। और यहाँ पे एक ग्राफ्टेड वाला डबल पेटल है, इनमें भी आप देख सकते हो कलियाँ आई है, लगभग मेरे सारे अडेनियम में इस टाइम कलियाँ भी बन रही है, फ्लावरिंग भी देखिए यहाँ भी कलियाँ आई है। ये देखिए, और यहाँ वही प्लांट फ्लावरिंग भी कर रहा है, देखिए ये बाजू भी ये है, इसमें भी देखिए फ्लावरिंग हो रही है। काफ़ी सारी कलियाँ मैंने तोड़ भी दी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें कलियाँ थी, और देखिए फिर ज़्यादा कलियों की वजह से फ्लावर की साइज़ छोटी हो जाती। यहाँ पे ये देखिए ये भी कलियाँ पूरी बनी हुई है इसमें। यहाँ पे देसी वाला है, देख इनमें भी देखिए लगभग सभी ब्रांच पे फ्लावरिंग हो रही है, एक भी ब्रांच ऐसी बाकी नहीं है जहाँ फ्लावर नहीं है, जहाँ फ्लावर नहीं है वहाँ कलियाँ बनी हुई है। तो मोस्ट ऑफ ये सब प्लांट मैंने खुद से तैयार किए हैं सीड से ग्रो करके, और ग्राफ्ट भी मैंने ही किए हैं। बस दो प्लांट मैं नर्सरी से लाया था ग्राफ्टिंग वाले, उनसे मैंने लगभग 9-10 प्लांट तैयार किए। ये देखिए यहाँ पर एक कटिंग से लगा हुआ प्लांट था, के साथ मैंने ग्राफ्टिंग की थी। एक कलर ये भी खिला है, ये देखिए
ये कि ये भी है, इन दोनों में थोड़ा अंतर है, देख सकते हो आप। और ये कि यहाँ पे है, ये थोड़ा डिफरेंट कलर है, डबल पेटल वाला ये भी है, ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और बाकी सब प्लांट में अभी कलियाँ है, देखिए अभी ये भी कलियाँ है, यहाँ भी है और यहाँ इसमें भी है और इनमें भी बन रही है। और ये देसी वाले हैं तो इनमें भी देखिए आप, तो लगभग मेरे एडेनियम के सारे प्लांट में कलियाँ बन रही है। और थोड़े प्लांट इस तरफ रखे हैं, थोड़े उस तरफ रखे हैं, सब अलग अलग रखे हैं मैंने प्लांट। यहाँ पे मेरे कलांचोए है, इनमें फ्लावरिंग हो रही है, देखिए यहाँ फ्लावर आए हुए हैं, कुछ फ्लावर यहाँ पे भी है। अब बाकी यहाँ सब कलियाँ बननी स्टार्ट हुई, अंदर से निकल रही है थोड़ी थोड़ी। ये देखिए एक देसी वाला कलांचोए है जो मैंने कटिंग से तैयार किया था। और इस तरफ सारे इंडोर प्लांट रखे हुए हैं, कुछ इस तरह से चल रहा है मेरा गार्डन। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा गार्डन कैसा लगा। अगर पूरा गार्डन दिखाने जाओगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ओके फ्रेंड, बाय।